फ्रेंड्स, अगर आप भी स्वादिष्ट और टेस्टी गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं और गुलाब जामुन मिक्स बनाना चाहते हैं तो ये इजी स्टेप है। किसी भी ब्रांड का गुलाब जामुन मिक्स लाइए और इस डिलीशियस गुलाब जामुन को जरूर से बनाइए। काफी सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा गूंदने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रोसेस आप वीडियो में देखिए और अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल विदान किचन इंदौर को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं गुलाब जामुन मिक्स से गुलाब जामुन कैसे बनाए जाते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विमला, मेरे विदान किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं होली स्पेशल गुलाब जामुन बना रही हूँ। तो हम गुलाब जामुन बनाएंगे गुलाब जामुन मिक्स से। तो आप किसी भी ब्रांड का गुलाब जामुन ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं गुलाब जामुन मिक्स ली हुई हूँ, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से गुलाब जामुन मिक्स से भी आप घर पर इसी तरीके से कैसे गुलाब जामुन बनाएं कि आपका गुलाब जामुन बहुत ही फटे ना और बहुत ही सॉफ्ट बने, तो सही तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल विदान किचन इंदौर को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम गुलाब जामुन के लिए चाशनी बना लेते हैं और चाशनी कैसे बनाना है ये हम देखते हैं। गुलाब जामुन की चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बड़ा सा बर्तन लेना है और चाशनी हमें सफिशियंट बनानी है। तो यहाँ पे मैं जो है 2 कटोरी चीनी ऐड कर रही हूँ। तो इस कटोरी से आप कोई भी कटोरी या कप ग्लास मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इससे मैं 2 कटोरी चीनी ऐड करूंगी। चाशनी कम नहीं पड़नी चाहिए गुलाब जामुन के लिए, सफिशियंट होना चाहिए ताकि गुलाब जामुन चाशनी को अच्छे से पी सके। तो 2 कटोरी चीनी ऐड किया है हमने और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 4 कटोरी पानी, 4 से 5 कटोरी। तो एक तो यहाँ पे 4 कटोरी पानी हमने ऐड कर दिया है और अब मैं फ्लेम को ऑन कर देती हूँ। अब हमें क्या करना है कि इसे कंटिन्यू चलाना है जब तक कि चीनी अच्छे से घुल नहीं जाता। अच्छी तरीके से हमें इसे चला लेना है और इसे अच्छी तरीके से बॉईल आने तक हमें मिक्स करना है। यहाँ पे चीनी अच्छे से घुल गया है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ इलायची। तो यहाँ पे मैंने 4 इलायची जो है कूट लिया है अच्छे तरीके से और मैं इसे इसके छिलकों सहित ऐड कर दूंगी ताकि फ्लेवर जो है अच्छे से आ जाए। और साथ ही मैं इसमें कुछ बूंदे येलो कलर की ऐड कर रही हूँ, ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप ऐड करें। इससे चाशनी काफी खूबसूरत दिखती है और गुलाब जामुन भी काफी अच्छे लगते हैं देखने में। अंदर तक जब जूस जाता है तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं गुलाब जामुन। तो अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे और अच्छे तरीके से इसे हमें उबाल लेना है जब तक कि चाशनी जो है चिपचिपी नहीं हो जाती। तो हमें इसे बस चिपचिपा करना है और इसीलिए हम इसे अच्छे तरीके से बॉईल करेंगे और चिपचिपा होने तक हम इसे बॉईल करेंगे और इसे बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है गुलाब जामुन की चाशनी। तो चाशनी अच्छे तरीके से बॉइल्ड हो रहा है, तो जब तक चाशनी बॉइल्ड होता है तब तक हम गुलाब जामुन का डो रेडी करते हैं। तो हमें एक बड़ा सा बर्तन ले लेना है जिसमें भी आपको डो रेडी करना है और इस हिसाब से आप इसमें इसे कट कर ले और इसे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अब हमें लेना है मिल्क, आप चाहें तो पानी भी ले सकते हैं। और मिल्क लेते हुए हमें इसे जो है बहुत ही अच्छे तरीके से डो को सॉफ्ट गूंदना है, यानी सॉफ्ट यानी बहुत ज्यादा सॉफ्ट गूंदना है। तो थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते हुए हमें इसका सॉफ्ट डो रेडी करना है। मैं आपको दिखाऊंगी कि इसे कितना सॉफ्ट होना चाहिए तभी आपके गुलाब जामुन बहुत ही बेहतरीन बनेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे गुलाब जामुन का डो जो है रेडी है, आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है और साथ में स्टिकी भी है, आप देख रहे हैं। तो इसी तरह का डो हमें चाहिए होगा। तो अब मैं क्या करूंगी कि मैं थोड़ा सा हाथ में घी लगा लूंगी, इस तरीके से आपको घी लगा लेना है और इसे जो है अपने हाथों में लगाते हुए धीरे धीरे इसे इकट्ठा कर लेना है। इस तरीके से हम इसे इकट्ठा कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे डो रेडी हो गया है और अब मैं इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख दूंगी ताकि डो अच्छे से सेट हो जाए। डो हमारा बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, 10 मिनट के बाद ये अच्छे से सेट हो जाएगा और तभी हम इसके गुलाब जामुन तैयार करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं, डो भी हमारा अच्छे तरीके से रेस्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम हाथों में थोड़ा सा घी लगाएंगे इस तरीके से और छोटी छोटी लोइयां लेंगे, मीडियम साइज के हम रसगुल्ले बनाएंगे। इसे आपको बहुत ज्यादा भूनना नहीं है, नीड नहीं करना है, इतना आपको ध्यान रखना है, ओवर नीड नहीं करना है। और अच्छे तरीके से गोला बनाएंगे और इसमें क्रैक्स ना हो इसका आपको ध्यान रखना है। तो मैं इसमें कुछ स्टफिंग्स ऐड करूंगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है चिरौंजी, ये आप देख सकते हैं, इसे चिरौंजी बोलते हैं। तो चिरौंजी के कुछ दाने हम इसमें ऐड करेंगे, तो इस तरीके से मैं इसे ऐड कर देती हूँ, दो दाने तीन दाने जैसा भी आपको कंफर्ट लगे। तो बीचों बीच करना है इसे और इस तरीके से हम इसे बंद कर देंगे और इसके गोले बना लेंगे। हल्के हाथों से थोड़ा सा प्रेस करते हुए गोले बनाना है। तो ये देखिए इस तरीके से आपको गोला बना लेना है और इसी तरीके से मैं जो है सभी गोले बना लूंगी। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने गुलाब जामुन के सारे गोले बना लिए हैं और यहाँ पे मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम गुलाब जामुनों को ट्राई करेंगे, तो उसके लिए टेम्परेचर देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे हमें इसे फ्राई करना है, यानी धीमी धीमी आंच में, जैसा कि आप समोसों या फिर बालूशाही को फ्राई करते हैं। तो ये थोड़ा गर्म हो जाए फिर हम इसमें गुलाब जामुन ऐड करेंगे। और साथ ही यहाँ पे चाशनी बिल्कुल तैयार है, जैसा कि हमें गुलाब जामुन की चाशनी चाहिए। तो ये देखिए जैसा मैंने कहा था कि इसे हमें सिर्फ चिपचिपा करना है और इसे हमें कम से कम 10 मिनट तक बॉईल होने तक अच्छे से पकाना है। तो गुलाब जामुन का जो चाशनी है वो सिर्फ चिपचिपा होना चाहिए, गाढ़ा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज गुलाब जामुन जो है चाशनी को नहीं सोक करेंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। ऑयल यहाँ पे गर्म हो गया है जैसा हमें चाहिए। तो अभी मैं सिर्फ एक गुलाब जामुन डाल के देख रही हूँ और जैसे ये हल्के हल्के से बबल्स आएंगे तो समझ जाइए कि ये परफेक्ट गर्म है। तो आप देख सकते हैं कि ये बबल्स तो आ रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा स्लो है, तो थोड़ा सा और टेम्परेचर को होने देते हैं ऑयल के। फ्रेंड्स गुलाब जामुन में बबल्स बहुत अच्छे तरीके से आ रहे हैं, तो अब हम सभी गुलाब जामुन को इसमें ऑयल में डिप कर देंगे एक एक करके धीरे धीरे। फ्रेंड्स अभी हमें इसमें स्पैचुला नहीं टच करना है और हल्के हल्के से हम इस कढ़ाई को ऐसे ऐसे हिलाएंगे। जैसे जैसे गुलाब जामुन फ्राई होंगे तो ये ऊपर की तरफ आते जाएंगे। हम सभी गुलाब जामुनों को अच्छे तरीके से अलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से हल्के हल्के स्पैचुला से हमें इसे घुमाते जाना है। फ्रेंड्स ये बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं, तो अब हम इन्हें एक एक करके निकाल लेंगे। धीरे धीरे करके हम इसे निकाल लेते हैं सभी गुलाब जामुनों को। फ्रेंड्स ये सारे गुलाब जामुन अब रेडी हैं, तो गर्म है और चाशनी भी गर्म है, तो हमें गर्म चाशनी में ही गुलाब जामुनों को डाल देना है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ गुलाब जामुन। इस तरीके से हम सारे गुलाब जामुन इसमें डाल देंगे, आराम से, काफी गर्म है। फ्रेंड्स इनको चाशनी में डालने के बाद हमें इस तरीके से डिप कर देना है अच्छे तरीके से, ताकि गुलाब जामुन जो है चाशनी को अच्छे तरीके से सोक कर सके। तो हम इन्हें ढक देंगे करीब 30 मिनट के लिए। तो जैसे जैसे ये चाशनी को सोक करेंगे वैसे ही ये अंदर नीचे बैठ जाएंगे।
फ्रेंड्स ये देखिए, ये है जबरदस्त गुलाब जामुन की रेसिपी जो कि हमने मिक्स से बनाया हुआ है, गुलाब जामुन मिक्स से, और बहुत इजी है और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। मैं आपको यहाँ पे ये उठा के दिखा दूँ, ये देखिए आप, है ना, तो ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और इसे मैं इस तरीके से आपको कट करके भी दिखा रही हूँ। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही टेस्टी गुलाब जामुन बने हैं फ्रेंड्स। ये देखिए कितनी इजी तरीके से ये कट हो रहे हैं, देख सकते हैं ना, बिल्कुल एकदम जूसी जूसी गुलाब जामुन है ये देखिए। और ये जो स्टफिंग हमने भरी हुई है बहुत ही खूबसूरती से बना हुआ है, तो आप भी इसी तरीके से इजी वे से आप बना सकते हैं। इसे नीट करने की जरूरत नहीं होती है, जैसे मैंने वीडियो में बताया स्टेप बाय स्टेप, तो आप इसे जरूर से बनाइए। और यहाँ पे मैं इसे गुलाब की पंखुड़ियों से जो है सजा देती हूँ और ये काफी खूबसूरत दिखेंगे, तो आप भी इस होली बनाइए और एंजॉय कीजिए मेहमानों के साथ में और मीठे मीठे रिश्तों के साथ और मीठे मीठे से गुलाब जामुन। तो आप सभी को हैप्पी होली, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो जरूर से रेसिपी को लाइक कीजिए, देर मत कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही चैनल विदान किचन इंदौर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट न्यू एंड यूनिक रेसिपीज आप तक पहुंचे। तो फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।